जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो इंडोर हॉल ही उन स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर बना है, पिछले साल 23 जनवरी 2019 को यूनियन मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे इसकी इनाग्रेशन की थी। तो उसके बाद हमने कोशिश की कि इसको रेगुलर एक्टिविटी में स्टार्ट किया जाए। उसके बाद यहाँ पे कोविड आ गया, तो साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं है, पानी का भी नहीं था। तो दो दिन पहले यहाँ पर सरमद हफीज़ साहब, जो कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सब्सिडी स्पोर्ट्स थे, वो यहाँ पे आए थे ऑफिशियल विज़िट पे। तो उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था, इंडोर में भी, यहाँ आउटडोर इस फील्ड में भी। तो उन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन दी थी अपने कोऑर्डिनेट स्टाफ को कि इस इंडोर को यहाँ पे चालू किया जाए। उसी की कड़ी आई थी कि हमारी जो टेबल टेनिस की, आज हमारे जो ये टेबल टेनिस की एसोसिएशन थी, तो हमने ये डिसाइड किया कि अपनी हमारी जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो आज से यहाँ पे हम स्टार्ट करें। इससे पहले हमारी जो भी हमारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, वो हम रेंटेड हॉल में पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं। हम अपने जेब से उस हॉल का जो भी किराया वगैरह हम देते हैं। तो अब उम्मीद है हमें कि यहाँ पे हॉल बन गया। हम अपनी एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हैं कि देर आए दुरुस्त आए, 25 साल के बाद हुआ, लेकिन ये इंडोर कम्प्लेक्स जो हमारी दहरीना मांग थी, आज हमें लगता है कि हमारा ये ख्वाब ताबीर हुआ है। तो बाकी रहा आपके माध्यम से, मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये जब से ये हॉल की हमें डिमांड थी पिछले 25-30 साल से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूंछ हुआ, यहाँ गुजर हॉस्टल का जो मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ पे हम अपने इवेंट्स करवाते थे। तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और जब से हमने इस चीज़ की डिमांड की थी, जब भी इसका लेआउट बना था, इसका प्लानिंग हुई थी, तो ये सिर्फ 5 गेम्स के लिए इसकी जो प्लानिंग थी, 5 गेम्स के लिए थी। उसमें टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर, बिलियर्ड्स,
ग्राउंड फ्लोर में और जो चेंजेस रूम के ऊपर जो स्लैब है जिसको पवेलियन हम कहते हैं वहाँ पे चेस और कैरम। आपके माध्यम से मैं ये बताऊं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में देखने को हमें मिल रही है कि जो आउटडोर गेम्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करने के हमें ये हॉल प्रोवाइड किया जाए, ये हमारी 25 साल की मांग है। हम नहीं कहते हैं हर जो भी जितनी भी गेम्स हैं वो बच्चों के फ्यूचर के लिए है, लेकिन जो गेम आउटडोर में खेली जा सकती है तो हाँ इनकेस ऑफ बैड वेदर दे कैन यूज़ द इंडोर कम्प्लेक्स, इवन के पूरा हॉल ले सकते हैं, लेकिन फॉर रेगुलर प्रैक्टिस तो ये तो हाच पाच हो जाएगा ना, एक गेम खेली जाएगी ना दूसरी गेम खेली जाएगी, या जिस ये हॉल जिस जिन गेम्स के लिए स्पेसिफिक बनाया हुआ है उसी गेम को यहाँ पे अलाउ किया जाए, अदरवाइज़ तो जो ये पर्पज़ है उसका कोई वो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही बच्चे निकल पाएंगे, जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो वैसे का वैसा दरा रहेगा अगर ये हर गेम यहाँ पे मिक्स हो। हम चाहते हैं कि ये इंडोर गेम ही हो, उन इंडोर गेम के लिए भी यहाँ टाइमिंग फिक्स हो जाए, आउटडोर गेम के लिए मतलब वो आउटडोर गेम आउट में खेली जाए, हाँ इनकेस ऑफ बैड वेदर वो अंदर खेल सकते हैं। तो मैं आखिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बार फिर अपनी एसोसिएशन की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये हमारी देरीना मांग को पूरा किया, बहुत बहुत शुक्रिया।